पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के योगी राज में पुलिस का शूट आउट ऑपरेशन जारी है। देर रात को गाजियाबाद से लूट की वारदात को अंजाम देने बुलंदशहर आ रहे बाइक सवार दो इनामी बदमाशों और पुलिस के बीच NH-91 पर सिकंदराबाद में पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश 25,000 रुपए के इनामी हैं। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इनामी बदमाशों के कब्जे से मोटरसाइकिल, पिस्टल, तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस मिले हैं। पुलिस की गोली लगने के बाद गिरफ्तार में आए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश कन्हैया और विजेंदर, जो बाइक पर सवार होकर गाजियाबाद से बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देने आ रहे थे कि पुलिस को इसकी भनक लग गई और सिकंदराबाद पुलिस ने NH-91 पर जैसे ही रुकने का इशारा किया तो पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान कन्हैया और विजेंदर के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को घेर दबोच लिया। पुलिस की गिरफ्त में आई ये इनामी बदमाश कन्हैया, जो खुद बता रहा है कि किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। कन्हैया की माने तो बुलंदशहर जेल में इसके साथी बंद हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए ये बदमाश आज गाजियाबाद से बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। घायल बदमाशों पर आधा दर्जन से अधिक लूट, मारपीट, हत्या के प्रयास आदि संगीन धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करने आए थे? लूट के फिराक में आए थे। लूट करना चाहते थे? हमारे साथी जेल में बंद है, उन्हें पैसा इकट्ठा करके उन्हें छुड़ाना चाहते थे। अच्छा, फिर जैसे इन्हों को पता पड़े पुलिस वालों को तो हमारी मुखबरी बैठ गई थी, तो हम सीधे जैसे भागे तो हम यहाँ पे गिर गए। हमारे को हमने भी इन्होंने फायर करी तो हमने फायर करी। अच्छा, फायर करने पर हमारे को टांग में लगी तो हम यहाँ पर गिर गए। तुमने कितने राउंड गोली चलाई थी? 3 राउंड चलाए थे। ये इनका आपराधिक इतिहास है, ये लूट, हत्या और चोरी कई विभिन्न तरह के मुकदमों में वांछित थे। और ये इनकी सूचना पुलिस को मिल रही थी कि पुलिस काफ़ी दिनों से इसके पीछे भी लगी हुई थी लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इनका एक साथी अभी जेल में बंद है, उसको छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर उसको छुड़ाने के प्रयास में थे, जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया। यहाँ मंडी है, मंडी में ये किसी बड़े व्यापारी को रात में लूटने के लगभग 3 बजे के करीब निकले और 3 बजे लूटने के प्रयास में थे, क्योंकि लोग उस समय सोए रहते हैं। थोड़ा ऐसे में जो है इनको मौका मिला है, पहले भी इन्होंने वारदात लगभग इसी टाइम पे की। तो आरती से किसी से लूट करना, किसी आरती से लूट करना चाहते थे। अच्छा सर, कितने कितने के इनामी है जो बदमाश घायल? ये 25,000 के इनामी है। ये दो ही लोग थे या और भी कोई? दो ही।